और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सीएम केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, आपको बता दें कि केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया, केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पर सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। और आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, ऐसे में केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है और अब आखिरकार केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। और आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, यानी कि जिस तरीके से चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आखिरकार अब एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों को भी फैसले के बाद कहीं ना कहीं राहत मिली है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 156 दिनों बाद कहीं ना कहीं जमानत दी है। हालांकि ये जमानत जो है वो सीबीआई वाले मामले में दी गई है। और जस्टिस ये चूंकि आज फैसले का दिन था इस पूरे मामले में, और पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो आपने देखा था कि अलग अलग जो दलीलें हैं, तर्क हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जो पक्ष हैं उनकी ओर से दिया गया था। ऐसे में जो आज फैसला आया है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनाया है। और दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, और तब बहस भी हुई थी और आपने देखा होगा कि सीबीआई और अरविंद केजरीवाल ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की बात करें तो करीब 156 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी ने यानी कि 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, और 10 दिन की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। उसके बाद 10 मई को 21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को इस दौरान रिहा भी किया गया था। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। और सुप्रीम कोर्ट में लगातार चूंकि इस मामले की सुनवाई चल रही थी, और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली है। और जैसे ही ये जमानत मिली है, निश्चित रूप से अब तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, खासतौर पे जो आदेश की कॉपी है वो जेल प्रशासन को भेजी जाएगी। उसके बाद संभवतः आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि ये पूरा मामला है, इस मामले में सुनवाई बिल्कुल पीयूष, और ट्रायल कोर्ट में इस दौरान पेश होने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है केजरीवाल को। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि तमाम जो विधिक कार्रवाइयां होती है, कानूनी कार्रवाइयां होती हैं, वो कानूनी जो कार्रवाई है वो होगी। और ऐसे में ये कह देना कि जमानत मिलने की वजह से पूरा मामला खत्म हो गया, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है वो चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल को आगे भविष्य में राहत मिलती है नहीं मिलती है, इस केस से देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि पीयूष जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी इस दौरान उठ रही थी, और ऐसे में क्योंकि अब केजरीवाल को एक बड़ी राहत यहां मिलती हुई, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो इस दौरान कितना बड़ा इसका असर पड़ने वाला है। देखिए, अगर बात करें तो चूंकि हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो निश्चित रूप से वो चुनाव में प्रचार प्रसार भी कर पाएंगे और खासतौर से अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि तमाम जो दिल्ली के विधायक हैं, खासतौर पर बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, और खासतौर पर ये कहा था कि एक ज्ञापन दिया था और कहा था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इस तरीके की मांग जो है वो की गई थी। हालांकि ज्ञापन में इस बात का जिक्र था कि संवैधानिक संकट दिल्ली में गहरा रहा है, और इस पूरे मामले में राष्ट्रपति ने जो ज्ञापन है वो एक तरीके से उसको फॉरवर्ड कर दिया था गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा था। इस बीच अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से राहत मिली है, तो न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के परिवार वालों के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम उन नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए आज खुशी का दिन है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की ओर से बाकायदा
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। बिल्कुल पीयूष, ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से शर्तें भी रखी गई हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, जब जमानत उन्हें मिली है तो शर्तों के साथ मिली है, और उनके जब वकील हैं उनकी तरफ से भी सीधे तौर पर कहा गया था, जब पहले जमानत को लेकर अर्जी दी गई थी उन्होंने ये कहा था कि संवैधानिक पद पर है अरविंद केजरीवाल, ऐसे में उनके ऊपर तमाम तरीके के सवाल उठा देना कि वो कहीं चले ना जाए, लेकिन ऐसे में संवैधानिक पद पर है उन्हें जमानत जरूर मिलनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया था। बिल्कुल, अगर हम बात करें चूंकि शर्तों की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई की इसमें जमानत दी है और 10-10 लाख के दो निजी मुचलके पर ये जो जमानत है वो दी गई है, यानी कि दो निजी मुचलका है वो भरना होगा। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि ये शर्त रखी गई है कि मुकदमे में सहयोग अरविंद केजरीवाल करेंगे, यानी कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, जब भी प्रशासन उनसे पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं जो सहयोग है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जाना चाहिए। तो तमाम शर्तें हैं, हालांकि अब निश्चित रूप से आदेश की जब कॉपी आएगी तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ शर्तों में है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि 10-10 लाख के दो निजी मुचलके भरने होंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जल्द से बाहर आ ही जाएंगे और कहीं ना कहीं एक जश्न की जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी मुख्यालय में धीरे धीरे शुरू होगी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं में इस तरीके से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत यहां पर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।